है गाइज, तो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइज, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एटीएम्स के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ एटीएम्स के बारे में जो बेसिकली इंडिया में यूज होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटीएम आखिर होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, जो कि बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बेसिकली एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। और इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात कर ले तो बेसिकली मतलब आखिर एटीएम हमारे क्या यूज में आता है, तो आप सबको पता है, ये तो बेसिक सी चीज है कि एटीएम बेसिकली जो हमारे कैश होते हैं, तो हमें कैश कैरी नहीं करना पड़ता, हम फिजिकल मतलब फॉर्म में कैश को कैरी नहीं करना पड़ता और हमें जब जरूरत हो तो हम उसे विड्रॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग एटीएम्स। ठीक है, एटीएम्स बहुत सारी जगह होते हैं और आपको जब भी कैश की जरूरत होती है तो आप सिंपली आपके वो कार्ड्स दिए हुए होते हैं जो बैंक के द्वारा आपको दिए हुए होते हैं और आप उन कार्ड्स को यूज करके आप सिंपली कैश विड्रॉल कर सकते हैं 24x7 मतलब 24 आवर्स। आप कभी भी आपको अगर जरूरत है फिजिकल कैश की तो आप उसको सिंपली विड्रॉल कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कि कितने टाइप के कार्ड्स जो है आपको बैंक इशू करता है। तो बेसिकली आपको डेबिट कार्ड इशू करता है, उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है, देन ओपन प्रीपेड कार्ड। तो बेसिकली ये तीन टाइप्स के कार्ड्स जो आपको बैंक इशू करता है अपने कस्टमर्स को। आपने किसी भी बैंक में अगर अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है तो बेसिकली वो बैंक क्या करेगा, आपको एक कार्ड इशू करेगा जिसके थ्रू आप ये जो बेसिक फीचर्स है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एटीएम्स, जो बेसिकली कितने टाइप्स के एटीएम्स होते हैं जो आपसे बैंक के एग्जाम्स में जो मतलब बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चंस आपसे पुट अप कर लिया जाता है। तो देखिए बहुत सारे टाइप्स हैं उसके, जिसमें पहला है कि ऑन साइट एटीएम। अब ऑन साइट एटीएम क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ऑन साइट। बेसिकली जितने भी बैंकिंग के ब्रांचेस होते हैं किसी पर्टिकुलर सिटी में, तो ये जो एटीएम्स होते हैं वो पर्टिकुलर उस ब्रांच में ही अंदर मतलब इनसाइड दी ब्रांच वहां पे एस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका टाइप है ऑफ साइट एटीएम्स। अब इसी के भी नाम से पता चल रहा है ऑफ साइट एटीएम्स, मतलब कि जो एक्सेप्ट दी ब्रांच मतलब इनसाइड दी ब्रांच, इसके अलावा जो आसपास जितनी भी जगह है वहां पे अगर सिटी में या फिर अर्बन एरिया में रूरल एरिया में जहां पे भी एटीएम्स एस्टेब्लिश है, ब्रांच के इनसाइड नहीं होगा आउटसाइड, तो उनको हम लोग बोलते हैं ऑफ साइट एटीएम्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं व्हाइट लेबल एटीएम्स। ठीक है, व्हाइट लेबल एटीएम्स क्या होते हैं, ये जो है बेसिकली इसको सेटअप किया जाता है और इसमें जो पूरा जो स्वामित्व है मतलब उस पर जितना भी मतलब सेटअप, इट इज सेटअप एंड ओन्ड बाय दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, तो ये है व्हाइट लेबल एटीएम्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं येल्लो लेबल एटीएम्स। तो येलो लेवल एटीएम्स क्या होते हैं, ये बेसिकली ई कॉमर्स फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, जितने भी ई कॉमर्स रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं बेसिकली इस येलो लेवल एटीएम्स के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। देन उसके बाद आता है ब्राउन लेवल एटीएम्स। ये ब्राउन लेवल एटीएम्स ये होते हैं कि बेसिकली जो बैंक होता है वो लीज पर लेता है किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से इसको, जिसमें वो लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो इट इज सेटअप एंड ओन्ड बाय द बैंक जो आपका अकाउंट जिस बैंक में है, बट इसको लीज पे लिया जाता है सेकेंड पार्टी से मतलब थर्ड पार्टी से सॉरी। देन उसके बाद आता है ऑरेंज लेवल एटीएम्स। ठीक है, अब ऑरेंज लेवल एटीएम्स है, इसमें बेसिकली आप यूज कर सकते हैं सिर्फ शेयर ट्रांजेक्शन, शेयर को ट्रांजेक्ट करने के लिए ऑरेंज लेवल एटीएम्स का यूज किया जाता है। देन उसके बाद है पिंक लेवल एटीएम्स। तो नाम से पिंकी आपको पता है, पिंकी से रिलेटेड क्या होगा कि अगर आपको ये पर्टिकुलरली इसको एस्टेब्लिश किया जाता है वुमेन्स के लिए। ठीक है, अगर कोई किसी बैंक में अगर किसी वुमेन का अकाउंट है तो बेसिकली वो लोग उसको स्पेशली मतलब वुमेन्स के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा जाती है पिंक लेवल एटीएम। तो अगर आप आस पास में नियर बाय कहीं पे भी अगर पिंक कलर का अगर एटीएम देख रहे हैं तो पर्टिकुलर उसमें वही ट्रांजेक्शन हो सकते हैं अगर आपका वुमेन्स के किसी फीमेल का अगर अकाउंट उस बैंक में है। ठीक है, देन उसके बाद बात कर लेते हैं ग्रीन लेवल एटीएम्स। अब ग्रीन लेवल एटीएम्स, इसमें भी नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, ग्रीन लेवल एटीएम्स जो है बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड जो वर्क होते हैं मतलब फार्मर्स के लिए या फिर हाँ एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क जो फार्मर्स के लिए होते हैं बेसिकली वो बैंक जो प्रोवाइड करवाता है फैसिलिटीज, तो इसमें आता है ग्रीन लेवल एटीएम्स में। तो अगर कोई फार्मर या फिर मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी अगर एक्टिविटी होती है तो उसमें अगर चाहे वो विड्रॉ कराना चाहे, कैश का कुछ भी अकाउंट स्टेटमेंट कुछ भी देखना चाहे, तो ग्रीन लेवल एटीएम्स में ही पॉसिबल होता है। तो गाइज ये था टाइप्स ऑफ एटीएम्स। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसी तरीके से कोई भी बैंकिंग
और करंट अफेयर्स आपको जानने के लिए। थैंक यू गाइस।